आप स्टार्ट कर रहे हैं जब सेवन क्लास में आप आ रहे हैं, एट्थ में है, नाइन्थ में है, टेंथ में है, तो जो सेवन्थ एट्थ क्लास होती है इसके अंदर आप सभी कोशिश करें आपका आईक्यू अच्छा हो। क्या अच्छा हो? जो आईक्यू जो चीज होती है बेटा, उसके लिए बात की जाए तो जैसे अगर आपका आईक्यू अच्छा होगा तो आपको क्या पता लगेगा, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाती है तो उन सभी पॉइंट्स पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमारे पास कितने कैरियर, ठीक है, कितने फील्ड है आपके पास, उस चीज की बात की जाएगी। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो देखो, आपको मैंने बोला जब तक आप सिक्स क्लास तक लेते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट कॉमन पढ़ने होते हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बेसिक नॉलेज आपको भी गैन करनी होती है। क्या ये सभी आप जानते हैं? अगर मैं आपसे बात करूं कि आफ्टर सिक्स क्लास अगर आपको सबके ड्रीम होते हैं, जैसे कई स्टूडेंट के ड्रीम होंगे कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, कई का होगा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी का मन होगा कि नहीं मुझे एक इंटीरियर डिजाइनर बनना है बहुत अच्छा, किसी को लगता है मुझे बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है मेरी? चलिए बेटा, आप सभी का आकाश यूथ में स्वागत है। पहले बात करते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज जो ये सेमिनार हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है आप सभी को पता है? ये जो सेमिनार ले रहे हैं हम आप सभी के लिए, इस सेमिनार का जो मोटो है बेटा, मेन ये है कि आज आप जो जिस एज में है, आप सभी जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, आप सभी अपनी लाइफ के अंदर किसी कैरियर को चूज करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आप सभी से कि आपको कैरियर किस तरह से चूज करना चाहिए, क्या आपके लाइफ के अंदर आपको किस फील्ड के अंदर अपने आपको बेस्ट रिप्रेजेंट करना है, वो आपको कैसे डिसाइड करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर आप सभी से, तो देखो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही जब आप जबकि एज ग्रो होने लगता है, जब ग्रो के साथ साथ हम देखते हैं कि उसके खाने पीने का तरीका क्या है, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। तो फिर अगर हम आपसे बात करें कि अगर आपकी पढ़ाई के लिए इस चीज का डिसीजन लिया जाए तो कैसे लिया जाएगा, तो देखो बेटा सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, तो सबसे पहले इस बात का जो डिसीजन होगा वो कैसे लिया जाता है, तो देखो चाइल्ड को सबसे पहले सिखाया जाता है बहुत बेसिक चीजें। जैसे अगर बात की जाए कि मैथमेटिक्स की बात की जाए बेटा, तो आप सभी को जब यहाँ एडमिशन लिया जाता है स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर एडमिशन जो होते हैं, उस एडमिशन के बाद आप सभी को कुछ कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बात की जाती है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये जब सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपकी लाइफ में कैसे आपके काम करते हैं, क्या पढ़ना होगा, तो देखो आपको जो साइंस पढ़ाई जाती है, साइंस का डिविजन तीन पार्ट में किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अरे हाँ थे ना, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवीजन करते हैं बेटा, तो अगर आप मेडिकल डिवीजन में जाने चाह रहे हैं तो आपके तीनों काम आते हैं। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट होता है बेटा वो कम काम आता है, पर मेरा जो मानना है कि 10th तक का जो मैथमेटिक्स है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको जितना सपोर्ट करेगा आईक्यू लेवल बढ़ाने में, आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए वो और कोई सब्जेक्ट काम नहीं करता है। तो देखो अभी जो भी है, आपको जो 10th तक के स्टूडेंट है, पहला टारगेट होना चाहिए कि